हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं अविनाश सिंह, एकेएस ऑटोमेशन से। आज आपको दिखा रहा हूँ A3 पेपर कटर। एक बोले तो A3 प्लस कटर है ये आपका। हैंडल की हेल्प से इसमें पेपर काटा जाता है। इसको हैंड कटर, मैनुअल पेपर कटर, रिम कटर बहुत ही नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसकी जो कट हाइट होती है 1.5 इंच तक आपका इतना पेपर काट देता है। जितने भी पेपर इसके इसमें आ जाते हैं वो काट देगा। यहाँ पर आप देखेंगे 1.5 इंच तक की इसकी कट हाइट है, तो जिस अप्रोक्स 350 से 400 पेपर आ जाते हैं वो इजीली आप कट सकते हैं इसमें। और यहाँ आप देखेंगे A3 मार्जिन दिया गया है, इंच में A3 से ज़्यादा ही है, तो A3 प्लस इसलिए कटर बोला जाता है। इसमें आपको इसमें B7, B6, A5 सबकी मार्जिन दी गई है। ये देखिए B5, A4, B4, A3। ठीक है, A3 से बड़ा भी कट जाएगा। साथ में आप इधर अगर आपका लेंथी पेपर है तो ये आपका 2 स्क्रू लगे होते हैं, खुल जाता है। बैक पेस एडजस्टर इसको बोलते हैं, ये खुल जाएगा तो आप लेंथी पेपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस साइड देखेंगे तो ये आपका सेफ्टी कवर दिया गया है। अभी हमारे डेमो के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये प्लास्टिक कवर है। यहाँ देखेंगे आपका ब्लेड लगा हुआ है, तो ये ब्लेड स्क्रू की हेल्प से खोल सकते हैं। एक टाइम के बाद ब्लेड और एक रेड स्ट्रिप आपको बदलनी पड़ सकती है। जब ज़्यादा वर्कलोड होता है तो ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि धार है तो कभी धार खत्म हुई तो 1-2 बार आप धार भी लगवा सकते हैं। बाकी चीज़ें भी रेड स्ट्रिप है, 2 ही चीज़ों की इसमें बदलने की जरूरत पड़ती है। तो अलग से ब्लेड और स्ट्रिप चाहिए तो वो भी हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका देखें यहाँ पर दिया गया है ये पेपर को होल्ड करने के लिए, पेपर होल्डर। ठीक, साथ में ये लीवर है, लीवर को अप करेंगे तो यहाँ से आप देखिए ऊपर करते हुए ये आपको ऊपर को आएगा लीवर। तो इसमें हम जितने पेपर लगाएंगे आ जाएंगे, फिर ऊपर से दबाव बना के इसको टाइट कर देंगे। तो अभी देखिए मैं पेपर ले लेता हूँ, कुछ 3 नोटबुक हैं, इनको मैं यहाँ लगाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको लगा लेना अपने हिसाब से। चाहे तो बैक पेपर एडजस्टर का भी यूज कर सकते हैं ताकि पेपर बैग ना भागे, और यहाँ से टाइट कर दीजिए। ठीक, उसके बाद ऊपर वाले लीवर से आपको प्रेस करना है, दबाव बनाना है ताकि दाएं बाएं से भी पेपर आपको कहीं इधर उधर ना जाए। तो आपको बराबर करके देखिए, मैंने लीवर से ऊपर से प्रेस करना है, कर रहा हूँ। अब ये प्रेस हो गया, अब ये पेपर देखिए आप टच से मस नहीं होगा, कहीं हिलेगा नहीं। तो आपको सिंपली ये देखिए यहाँ लॉक दिया गया होता है, इस लॉक को प्रेस करेंगे और हैंडल को नीचे कर देंगे। हल्का सा प्रेस करना, कोई ज़्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं है, और आपका पेपर कट जाएगा। ठीक, अब फिर से लॉक प्रेस करके ऊपर करेंगे और ये आपका खुल जाएगा। ये देखिए आपकी कटिंग हो चुकी है, ये कटा हुआ रॉ वेस्ट मटेरियल है, इसको साइड कर लेंगे। या अभी भी पेपर आपका बुक फ्री नहीं हुई है क्योंकि ऊपर से प्रेशर बना हुआ है। तो ये दबाव हटाने के लिए हम लीवर को रिलीज करेंगे। ठीक, रिलीज करते ही देखिए ऊपर हो गया। अब हम इस बुक को निकाल लेंगे, ये आपकी कटिंग है पूरी, फाइन एंड फिनिश कटिंग है। इसमें आप विजिटिंग कार्ड से लेके PVC कार्ड, ड्रैगन सीट, ID कार्ड्स, अलग अलग मटेरियल काट सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कोई अलग तरह का मटेरियल हो जो आपको काटना हो तो हमारे पास लेके आ सकते हैं, या सैंपल भिजवा सकते हैं, हम चेक करा के दिखा देंगे आपका मटेरियल इसमें कट रहा है कि नहीं। और कोई फर्दर इंक्वायरी हो तो हमारी डिटेल आपको सामने दी गई है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, AKSAutomation.com पे। हमारे एड्रेस पे भी विजिट कर सकते हैं। ये मशीन आपकी छोटे से दुकान से लेकर बड़े ऑफिसों तक कमर्शियल यूज में, हर तरह के इंडस्ट्री में यूज होती है। लिफाफा बनाने वाले, नोटबुक बनाने वाले, एंड पेपर का काम करने वाले, पेपर रिम कटिंग करने के लिए बहुत ही हर तरह के क्राफ्ट में यूज होती है। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मैं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह, जय हिंद।